सीट शेयरिंग पर आप कांग्रेस की बैठक खत्म। राघव चड्ढा बोले सकारात्मक रही मीटिंग। जी हां, आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को साथ में बैठक की। इस मीटिंग में आपकी तरफ से चार नेता पहुंचे। इनमें आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल रहे। शुक्रवार शाम को जब बैठक खत्म हुई तो आप नेता राघव चड्ढा ने मीटिंग को सकारात्मक बताया है। वहीं कांग्रेस की ओर से मीटिंग में शामिल हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के लिए बैठक हुई। इस बैठक में क्या तय हुआ है ये तो अभी सामने नहीं आया है। हालांकि दोनों ही दलों के नेताओं ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने इस मीटिंग को सकारात्मक ही बताया है। शाम को बैठक खत्म होने के बाद आप नेता राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि आज हुई मुलाकात काफी सकारात्मक रही। हर राज्य पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कल इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस से इस बैठक में मौजूद रहे सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमें आज मीटिंग में एक बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिली है। हम निर्णय की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस मीटिंग से पहले आप से जुड़े सूत्रों का कहना था कि आज की बैठक में भी दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए सीट शेयरिंग पर ज्यादा फोकस रहेगा। बता दें कि इससे पहले 8 जनवरी को भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो चुकी है। मीटिंग में कांग्रेस और आप दोनों ने अपनी मांगों और प्रस्ताव संबंधित दस्तावेज साझा किए थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक सकारात्मक मानी गई थी। दोनों पार्टियों ने उन रणनीतियों और सीटों की संख्या के बारे में चर्चा की थी जिन पर वे अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है। एक तरफ दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के लिए सीट बंटवारे के लिए बैठक हुई तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अरविंद केजरीवाल के गोवा दौरे का ऐलान किया है। आप संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर जा रहे हैं। सीएम 18, 19 और 20 जनवरी को गोवा में रहेंगे। उनका ये दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों से जुड़ा होगा। वे वहां गोवा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इससे पहले 11 और 12 जनवरी के लिए सीएम का गोवा दौरा प्रस्तावित था। पिछला प्रस्तावित दौरा गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों से जुड़ी मीटिंग के कारण कैंसिल हो गया था। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।